नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण प्रसाद। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे पहाड़ी किचन में। और आज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं पहाड़ी दाल तड़के की रेसिपी। उन्हीं में से एक दाल है, वो है चनो दाल तड़का। और मैं बना रहा हूँ आपको आज पहाड़ी स्टाइल में, आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं इसके, इसमें क्या क्या जाएगा दाल के लिए, हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये हमने रेडी करके रखा है पहले से। और हम आपको दिखाएंगे क्या क्या लगता है इस दाल के लिए। हल्दी पाउडर, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, हरा धनिया कटा हुआ चॉप, ग्रीन चिली चॉप, गार्लिक चॉप, जीरा होल और जखिया, ये उत्तराखंड में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। और टमाटर चॉप, ऑनियन चॉप और दाल हमने यहाँ पे बोल करके रखा है। और मस्टर्ड ऑयल, ये मैं उत्तराखंड से ही लेके आया था घर से। और हींग और साबुत चिली। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे पैन आयरन करेंगे और इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, ध्यान रहे उत्तराखंड में मस्टर्ड ऑयल से ही दाल तड़का बनती है और आप रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें, फिर उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा। तेल को थोड़ा गर्म करेंगे, ध्यान रखें ऑयल को बराबर गर्म करें। अगर आप इसको ऑयल को गर्म बराबर नहीं होने देंगे तो आपको मस्टर्ड कच्चे ऑयल की खुशबू आएगी, तो बेटर है इसको थोड़ा सा गर्म होने दें, कच्चे ऑयल में डालें। चिली होल और फायर को स्लो कर लेने का, उसके बाद डालेंगे हम इसमें जीरा और जो हमने आपको बताया था जखिया जो उत्तराखंड में पाई जाती है। ध्यान रहे फायर को स्लो करें। उसके बाद डालेंगे हम इसमें गार्लिक, थोड़ा सा भुनेंगे, जो हमने इसमें रेड चिली होल डाली है, साबुत रेड चिली डाली है, ये उत्तराखंड में पाई जाती है बट मेरे पास वो वाली अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी ये मार्केट से ले आया था, क्योंकि उत्तराखंड की जो मिर्ची होती है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। जब तक कि गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तब तक इसमें ऑनियन ना डाले इसमें, नहीं तो गार्लिक की कच्चे की स्मेल आती है। थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन करें और ये हमारा गार्लिक यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। इसमें डालेंगे ऑनियन हमने काटा था, ऑनियन चॉप, इसको थोड़ा भुनेंगे, इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे ऑनियन को भी। और हमारा ब्राउन ऑनियन थोड़ा ब्राउन हो चुका है, इसमें डालेंगे ग्रीन चिली चॉप और उसको थोड़ा और भुनेंगे, ग्रीन चिली को भी थोड़ा ब्राउन करेंगे, भुनेंगे इसके साथ ताकि ग्रीन चिली अपना स्पाइसेस पूरा छोड़ दें। और हमारा ऑनियन भी ब्राउन हो चुका है और ग्रीन चिली भी तो सोते हो चुकी है इसमें। और अभी इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, मैंने 1.5 स्पून ले रखा लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूँगा 1 स्पून। और रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, उसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार, क्योंकि ऑलरेडी मैं दाल में डाल रखा हूँ अपने हिसाब से डालने का, दाल सॉल्ट यूज़ करने का। अब डालेंगे इसमें हम टमाटो,
इसको थोड़ा भूनेंगे टमाटो को। और इसको कर देते कवर 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा टमाटो पक जाए। और ध्यान रहे कि फायर थोड़ा कम कर लेने का ताकि जले ना। और अभी देखते हैं, हमारे टमाटो पक गए हैं और मसाला थोड़ा पक गया है, चेक करते हैं उसको। और इसमें डालेंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी, इसको करेंगे मिक्स धीरे से। और इसमें डालेंगे धनिया कटा हुआ, करेंगे थोड़ा मिक्स। और 2 मिनट के लिए इसको कवर कर लें, थोड़ा दाल उबल जाए। देखते हैं, हमारी दाल कुक हो चुकी है, उबल चुकी है और हमारी दाल पक गई, अभी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब करेंगे हम इसकी प्लेटिंग, उसके तड़के की तैयारी। तड़के के लिए यहाँ पे पैन चला देते हैं, तब तक हम दाल को प्लेट में सर्व करते हैं। ध्यान रहे हमारा पैन गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा, ज़्यादा डालने का तड़के में। और हम लेंगे यहाँ पे तड़के के लिए साउथ मिर्च, लाल मिर्ची और जखिया एंड हींग, ये हींग है। और हम डालेंगे इससे पहले जखिया और मिर्ची के साथ थोड़ा इसको भूनेंगे, हींग थोड़ा सा डालने का। वैसे तो उत्तराखंड में करछी को आग के ऊपर रख के तड़का मारते हैं, बट मेरे पास गैस वाला फायर नहीं है, मैं इंडक्शन यूज कर रहा हूँ तो इसमें नहीं होगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और इसको हाथों हाथ आप इसमें डाल दीजिएगा। और अब ये करेंगे हम इसकी गार्निशिंग। इसकी गार्निशिंग हो चुकी है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर और हमारी पहाड़ी दाल तड़का रेडी हो गई है।